तो इस सच के सामने आते ही रेखा के पति को करनी पड़ी थी आत्महत्या। बॉलीवुड में आज भी जिस एक ट्रेस की खूबसूरती का जलवा बरकरार है वे है अभिनेत्री रेखा। यूं तो रेखा की जिंदगी से जुड़े कई राज आज तक आपने पढ़े सुने होंगे, लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता हो कि एक ट्रेस रेखा के पति ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी या फिर उनके द्वारा आत्महत्या करने का सच क्या था। तो चलिए आज हम इस राज से पर्दा उठाते हुए बताते हैं कि रेखा के पति को आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। दरअसल बात उस समय की है जब रेखा अपने ढेर सारे अफेयर्स की नाकामी से तंग आ चुकी थी और लाइफ में सेटल होना चाह रही थी। तभी एक दिन रेखा की एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि दिल्ली का एक बिजनेसमैन तुम्हारे अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो उसे तुम्हारा नंबर दे दो। ये सुनकर पहले तो रेखा ने मना कर दिया, लेकिन फिर कुछ समय बाद खुद ही उस बिजनेसमैन का नंबर मांगकर बातचीत शुरू कर दी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मुकेश अग्रवाल और रेखा के बीच प्यार की कहानी इतनी आगे बढ़ने लगी कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद रेखा अपने पति मुकेश अग्रवाल के साथ हनीमून के लिए लंदन चली गई। लंदन में कुछ प्यार भरे लम्हे बिताने और दिन रात साथ रहने के बाद रेखा को एहसास हुआ कि मुकेश और रेखा के नेचर में बहुत फर्क है, लेकिन रेखा को शादी के रिश्ते पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने सोचा हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है और अब तो शादी भी हो चुकी है, इसलिए जैसा भी है साथ निभाना ही होगा। फिर एक दिन रेखा ने देखा कि उनके पति मुकेश ढेर सारी दवाइयां खा रहे हैं। ये देख रेखा को थोड़ा अटपटा लगा और फिर एक दिन रेखा ने मुकेश से पूछ ही लिया कि आप इतनी दवाइयां क्यों खा रहे हो। तब मुकेश ने उदास होकर बताया कि मेरी लाइफ में कोई और भी है जिससे मैं प्यार करता हूं। ये सुनकर रेखा को धक्का लगा। फिर शादी के महज 3 महीने बाद ही रेखा को इस रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगी और वह अपने पति मुकेश को छोड़ मुंबई वापस आ गई। मुंबई आकर रेखा ने खुद को काम में बिजी कर लिया और मुकेश के परिवार से भी दूरियां बना ली। यहां तक कि रेखा ने मुकेश के फोन कॉल्स भी रिसीव करना बंद कर दिया।